दोस्तों स्वागत है आप सभी को एम लाइफ स्ट्रगल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि ग्रंथों में कलयुग का वर्णन किया गया है। कलयुग में मानव का व्यवहार कैसा होगा, स्त्री पुरुष का आचरण व्यवहार कैसा होगा, इन ग्रंथों में विस्तार से उल्लेख किया गया है। दोस्तों जब किसी भी युग का अंत आता है तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। अभी तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं, जबकि उनकी अंतिम और सबसे शक्तिशाली महत्वपूर्ण अवतार 10वां अवतार बाकी है, जिसे कल की अवतार कहा जाता है। भगवान कल की अवतार की बातें हजारों साल पहले हो चुकी थी। उनके अवतार को लेकर कई तरह के भविष्यवाणी की जा चुकी है, लेकिन यह कलयुग है पाखंड का योग, जहां मनुष्य को पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कलयुग में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है, और कलयुग की अधीन से खुद को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। दोस्तों गीता में 4 युगों की व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग होंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था, त्रेता युग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलन में आया, द्वापर युग में अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली, अभी कलयुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप है। गीता में ये भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा भगवान धरती का कल्याण करने जरूर आएंगे। 32,000 वर्षों का कलयुग बताया गया है, जबकि अभी तक कलयुग के केवल 522 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलयुग के इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन भयंकर कलयुग में धरती पर अम्ल वर्षा होगी, जिसके कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को खाएंगे। धन का महत्व बढ़ जाएगा और धरती पर धर्म, दया और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पारिवारिक रिश्ते नाम मात्र के होंगे, वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी, बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, धरती पर भूखमरी, बीमारियां, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम सीमा पर होंगे और अंत में दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग की स्त्रियां अपने सदाचार से भ्रष्ट होंगी और पति का अपमान करने वाले होंगी, अपने सास और ससुर से द्रोह करेगी, किसी का कहा नहीं मानेगी, मलिन भोजन करेगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होगी, उसका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वह अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेगी। भविष्योत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संतजन दुखी होंगे, अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी। महर्षि व्यास जी के अनुसार कल युग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी, वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कल युग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे, पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी, सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा, सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे, किसी किसी तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे, देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी, गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी, अपना ही पेट पालेंगी,
क्रोध में भरी रहेंगी, देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी, लोग आरण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे, और जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी, दसों दिशाएं विपरीत होंगी। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हथियारों की भी हत्या होने लगेगी, लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। यह भी कहा जाता है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे, पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुण्य वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म, व्रत उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे तब मनुष्य की लंबाई काफी घट चुकी होगी। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा या हर समय दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा।